के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की तरफ से आज प्रेस नोट सामने आया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी जनता को एक तरीके से इसमें संबोधित किया है। दरअसल झारखंड और महाराष्ट्र में बीएसपी की रैली होगी या नहीं, इसको लेकर कोई भी संभावना वो नजर नहीं आ रही कि बहन जी की रैली होगी या नहीं होगी। आकाश आनंद को लेकर भी अभी कोई अपडेट नहीं है। आकाश आनंद पिछले कई दिनों से ट्विटर से भी है, वो लगभग गायब हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुछ प्रभारियों वगैरह ने जो बहन जी से शिकायत की थी, और कुछ प्रभारियों की बहन जी से आकाश आनंद ने भी शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह से वो सब साइलेंट है, वो चल रहा है। तो इस तमाम चीज़ों के बीच में आज बहन जी का जो ट्वीट आया वो अपने आप में ये चौंकाने वाला है कि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड की जनता को लेकर उन्होंने इस ट्विटर के माध्यम से प्रेस नोट में वो जनता को संबोधित किया है। इससे ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से झारखंड में और महाराष्ट्र चुनाव के अंदर रैली होने की संभावना कम हो चुकी है। हालांकि रैली को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। आगे आपको बता दें कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आज के प्रेस नोट में क्या कुछ लिखा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर से रेवड़िया और वादा घोषणा पत्र आदों के अंदर ही बीजेपी और कांग्रेस व्यस्त हैं और इनकी सरकारें भी व्यस्त हैं, जबकि आम लोगों को तमाम जंजालों से मुक्ति के लिए रोजगार की सख्त जरूरत है, यही उनकी पहली मांग है। बीएसपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देश के हालात पर हम चिंता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हो या कांग्रेस, ज़्यादातर आरोप प्रत्यारोप की नेगेटिव राजनीति में ही अभी व्यस्त है। चुनाव में मिथ्या प्रचार और वादों की भरमार लगी रखी है, जबकि जनता खुली आंखों से सब कुछ देख रही है। इनके द्वारा किए जा रहे पिछले चुनावी वादों का क्या बुरा हाल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, इन दोनों पार्टियों द्वारा जनता से किए गए वादों ईमानदारी से नहीं निभाए गए। इनके वादे थोते और गोष्ठ एक तरीके से बुरी तरीके से होते हैं। यही कारण है कि खासकर कांग्रेस, हिमाचल और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारें वादा खिलाफी, साथ ही यूपी सहित बीजेपी की कई राज्यों की सरकारें भी जन कल्याण और जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग राजनीतिक, धार्मिक और अन्य चीज़ों को काम में लाकर राजनीति करती नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि देश भर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उन तमाम चुनावों को अगर हम ध्यान रखने की कोशिश करें तो नजर आता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने वादे और झूठे प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। जनता के मुद्दों से, जन कल्याण से इनका कोई सरोकार नहीं।